अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाबा हमी आत्मा भगरम विश्वास करते नहीं है, पर जब उस दिन बल्ले से मार पड़ी ना, ऐसा लगा जैसे माँ मार रही है। और हमारा तो भगवान मुंह ही ना खुलवाए, अरे हमने तो अम्मा जी को खुद मेवा खाते हुए देखा। पंडित जी आप हमें एक बात तो बताइए कि आप अम्मा जी की आत्मा को मुक्ति तो दिला पाएंगे ना, मतलब ऐसे वापिस भेज पाएंगे ना? अलग निरंजन, मिलेगी सबको मुक्ति मिलेगी। बाबा इसके लिए हमें क्या करना होगा? अलग निरंजन, वो आत्मा सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती है, इसलिए आज रात इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम नैना को लेके उसके मायके चले जाते हैं। और वो कहे कि दामाद की ना वहाँ पे खातिरदारी भी बढ़िया होती है। तुमने भी बहुत पाप किए हैं। अलग निरंजन, ये लो इसमें जो सामान लिखा है, जिस तरह से लिखा है वो सब लेकर आओ। गली की पूंछ, जलती चिंगारी का भभूत, चमगादड़ की चोंच, भगवान मुंह न खुलाए पंडित जी, पर ये सब इतना भयानक मिलेगा कहाँ पर? जहां से भी मिले जाकर लेकर आओ। अलग निरंजन, ये सामान सिर्फ तुम्हें लाना होगा, क्योंकि वो आत्मा यहाँ तुम्हारे लिए आई है। तुम जाओ और शाम तक ये सारा सामान लेकर आओ। अलग निरंजन, जय हो बाबा, बाबा की जय हो। निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। नहीं हो रहा कि छोटी माँ आपको पहचान ही नहीं पाई। डर मौली डर, जब इंसान की आंखों पे डर का पर्दा होता है ना, तब वो कुछ सही गलत समझ नहीं पाता। छोटी माँ कहा हुआ अब यार, अब हमें ऐसे काहे देख रहे जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। हमारे बीच में अचानक से इतना सब कुछ हो गया मौली, मैं कभी अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ कर ही नहीं पाया। पर बिहान हम तो बचपन से साथ साथ ही है ना मौली, पर प्यार तो अभी हुआ है ना हमें। अलाप निरंजन करते करते इश्क मोहब्बत दूर रही है बाबा। जा रहे जमाना, क्या बात है माँ जी,
आपकी आंखों में आंसू काहे? ये दुख नहीं गुस्सा है। काहे कि जीते जी हम तुम दोनों को ऐसे खुश नहीं देख पाए, उस समधन की वजह से। पर कोनो बात नहीं बेटा, अब समधन रोएगी, काहे कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। हाँ माँ, आज रात वो अपने सारे गुनाह कबूलेगी अपने मुंह से। ये देखो माँ, और वो सब हम इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। मौली, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब परिवार एक साथ हो तो उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला गुनहगार बच नहीं सकता। कल हमारे 13वीं है, और हमरे 13वीं से पहले ना समधन का खेल हमें खत्म करना है। यही हमारी अंतिम इच्छा है। हमेशा हमारी मदद की है, और आज हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज भोलेनाथ, छोटी मां की सच्चाई सबके सामने लाने में हमारी मदद कीजिए, प्लीज। वो सब आप जेल में भुगतेंगी। हम चाहे ना तो तुमको अभय नरक पहुंचा सकते, लेकिन तुमको इतनी आसान मौत नहीं देंगे। पहले इस धरती का नरक तो भोग लो। हाँ छोटी माँ, आपने जो तकलीफ हमारे परिवार को, हमारे पापा को, हमारी माँ जी को दी, वो सब अब जेल में भुगतेंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। Thank you.
देखिए मस्त मौली शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।